यूपी के बदायूं में एक ऐसी दरगाह है जहां इंसानों का ही नहीं बल्कि जानवरों का भी रूहानी इलाज होता है। आपको बता दें कि बदायूं के गांव रमजानपुर स्थित हजरत गूंगी शाह बाबा की मजार पर इस वक्त मेला लगा है, जहां जायरीनों की भीड़ लगी है। हर साल यहां उर्स पर लगने वाले विशाल मेले में जहां लोग खरीदारी कर रहे हैं, वहीं ज्यारत पर चादर पोशी का सिलसिला भी जारी है। 2 माह तक चलने वाले इस मेले में सुई से लेकर हाथी तक की बिक्री होती है। यही नहीं, ये दरगाह पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की प्रतीक मानी जाती है। विशेष बात यह है कि दरगाह के गद्दी नशीन हिंदू परिवार से हैं, जो पिछले 25 वर्षों से बाबा के मजार पर बैठकर मजार की सेवा कर रहे हैं। गद्दी नशीन ठाकुर राजू सिंह इस दरगाह के पहले नहीं बल्कि 4थे हिंदू गद्दी नशीन है। उर्स पर उठने वाले ठिलिया पर यहाँ लाखों की भीड़ जुटती है। 27 जनवरी को उठी ठिलिया पर भी लाखों लोगों ने यहां आकर चादर पोशी की और मन्नत मांगी। कहा जाता है कि किसी समय एक बारात दरगाह के पास आकर ठहरी थी। उस समय दरगाह के इर्द गिर्द घना जंगल था। वृक्ष की छाया देख बाराती ठहर गए कि अचानक धूले की मौत हो गई। फिर क्या था, खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। लोगों ने बाबा से कहा कि आपके आस्थाने पर हमने विश्राम किया और धूले की मौत हो गई। हजरत गूंगे शाह बाबा ने मृतक को बोला, यहाँ क्यों सो रहा है, उठ। इतना कहना था कि दूल्हा तुरंत ही उठ बैठा। इस बात पर हजरत के पीर खफा हो गए, बोले तुम आज से नहीं बोलोगे। तभी से हजरत का नाम गूंगे शाह वाली फेमस हो गया। जल्दी चलो कि बच्चों अपना बना देगा लेके जगह जल्दी चले तो ये 10 रुपए का है।